जी हाँ, तो तीनों मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। खत्री साहब हैं हमारे साथ डालमिया साहब हैं और हमारे साथ मारकंडे अहुजा साहब हैं। प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं, दोहरा रहे हैं, अधिकारीगण लगे हुए हैं, ये ढिलाई कहाँ से आ गई, क्यों अचानक से आ गई, वो भी तब जब अभी भी लोगों को एहसास है कि हाँ केसेस भी हैं, दिक्कत भी है और बार बार अवेयर भी किया जा रहा है, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, इसमें आई थिंक मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं। एक तो डेफिनेटली ह्यूमन टेंडेंसी होती है किसी चीज़ को सिंसेरिटी से, देर इज़ अ लिमिटेड टाइम जब तक वो फॉलो होता है और उसके बाद पीपल बिगिन टू टेक इट कैजुअली, तो थोड़ा सी वो बात ज़रूर है जी। पर साथ साथ में मैं ये मानता हूँ मे बी जो कैरेक्टर और स्टैटिस्टिक्स हैं कोविड के, वो भी थोड़ा सा लोगों को इस तरह से एक मन में बात आ जाती कि इससे कुछ डरने की बात नहीं है, ऐसा एक भ्रम कुछ लोगों में ज़रूर मैं देखी। आहुजा साहब, मीडिया पर्सन होने के नाते जो हमारी जिम्मेदारी, हम उसको निभा रहे हैं और आप लोगों की जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है जो हमारे जरिए भी आगे बढ़नी चाहिए। आप एक वीसी के तौर पर इसको किस तरीके से निभा रहे हैं, कहां कहां पर आप लोगों ने कुछ नई शुरुआत की है, जो गाइडलाइंस हैं उसकी पालना तो होनी ही चाहिए, सभी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग, चूंकि आप लोगों के जरिए, बच्चों के जरिए बहुत दूर तक उनके परिवारों तक ये बात जाती है, तो आप लोगों ने क्या इसके लिए कुछ अलग से व्यवस्था की है, कोई नया कॉन्सेप्ट? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ को अतुल जी आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ जी। इंडिया न्यूज़ ने कोरोना में जो कार्य किया, भले ही वो शुरुआती दौर में जब पीपीई किट्स नहीं थी जी, पीपीई किट्स अवेलेबल कराने की बात की, भूखे लोगों को भोजन देने की बात की जी, और अगर आपको ध्यान हो तो हमने गुरुग्राम विश्वविद्यालय के साथ मिलकर इंडिया बिल्कुल बिल्कुल एक सुकून हेल्पलाइन शुरू की जी, जिसमें मेंटल हेल्थ का भी हमने एक बहुत ही अहम जो रोल था वो अदा किया था, और 16 साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट ने लगातार अपनी सेवाएं दी थी। और आज जब जैसे ही थोड़ी सी ढिलाई लोगों के मन में पैदा हुई, जो आपने अभी चर्चा की डीसी साहब के साथ, मैं समझता हूं कि लोगों में जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई जी, लोगों के मन में ये आना शुरू हुआ कि शायद वायरस भी चला गया, शायद वायरस भी कहीं ना कहीं, और जैसे जैसे ये आंकड़े आए कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है जी, इंडिया में डेथ रेट 1-2% है, वहां से लोगों के मन में इसका भय समाप्त होना शुरू हुआ जी, और भय जब समाप्त हुआ तो लोगों के मन में ये आया कि चलो, और एकदम रिलीज फेनोमेनन भी हुआ। 3 महीने से लोग अपने घरों में बंद थे, अचानक से एकदम टूट पड़े, निकल पड़े, जैसे निकल पड़े। जब खुला एकदम से निकल पड़े, और ये रिलीज फेनोमेनन जैसे डीसी साहब ने कहा कि ये एक आदमी की ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मन में आता ही है कि जैसे हम कमरे में बंद थे, घरों में बंद थे, अचानक से हम एकदम सड़क खुली तो भूल गए कोरोना को, मन में कोरोना बैक ऑफ द माइंड पे चला जाता जी। जहां आपने चर्चा की, आपने पूछा कि भी विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने क्या किया, विश्वविद्यालय के माध्यम से हमने पूरी तरह से लगातार कोरोना पीरियड में बच्चों को जागरूक किया, बच्चों को हमने गांव-गांव ले जाकर जागरूकता आमजन में भी पैदा करने की कोशिश की जी। और गुरुग्राम विश्वविद्यालय के बच्चों ने, मुझे कहने में बहुत खुशी है जी, कि जितना भी कोरोना वॉरियर, जो बाकी कोरोना वॉरियर्स ने काम किया, उन बच्चों ने भी अपनी सामाजिक भूमिका का वहन किया, सामाजिक भूमिका को निभाया, और लगातार इस बारे में सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, जागरूकता के कार्यक्रम हम लोग करते रहे। रिजल्ट रेशियो क्या रहा आप लोगों का, मोटा मोटा, आप लोगों के बच्चों के जरिए, आप लोगों की टीम के जरिए, कहाँ मुश्किल आती थी या कहाँ लगता था कि नहीं ये बड़ी आसानी से लोग समझ पा रहे हैं जो हम समझाना चाहते हैं? हमें सिर्फ इसमें ह्यूमन नेचर को, जैसी हमने चर्चा की, थोड़ा सा बदलने की आवश्यकता है जी, लोगों को ये समझाने की आवश्यकता है। आज जो ये कार्यक्रम है, मैं ये समझता हूँ ये बहुत अहम समय पे अहम कार्यक्रम है जी। जैसा कि अब त्यौहार का मौसम है, लोग सड़कों पर हैं, लोगों को ये समझाना कि मास्क कितना ज़रूरी है, शारीरिक दूरी कितनी ज़रूरी है, और जो अन्य सावधानियाँ वो कितनी ज़रूरी हैं, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ कि भारत की जनता वही है जो अमेरिका में जाकर तो सारे रूल फॉलो करती है या दूसरे देशों में जाकर, और अपने यहाँ पर हम थोड़ा सा विसी साहब, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। भारत की जनता वो है जो कि मेट्रो में रूल फॉलो करती है, ट्रेन में नहीं करती, अमेरिका तो बहुत दूर की बात है। तो जहां पर थोड़ा सा, जैसे डीसी साहब ने भी कहा कि एनफोर्समेंट जी, एनफोर्समेंट की थोड़ी सी
आप देखें जिस जिस शहर में पुलिस ने ज्यादा चलान काटे हैं वहां गाड़ी में भी लोग आपको मास्क के साथ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सख्ती की कहीं ना कहीं जरूरत थी, लेकिन उसमें उसमें एक अच्छा पहलू ये भी रहा, बहुत सारे व्यापक तौर पे कुछ एकाध केसेस हो सकते हैं या कुछ केसेस हो सकते हैं, लेकिन लोगों ने समझा भी। हाँ, बाय नेचर हमारे अंदर एक चीज है कि हम भूल जाते हैं जल्दी या बहुत सरलता से ले लेते हैं, वो लड़ाई अभी भी लड़नी, जैसा आप भी कह रहे हैं और जैसा डीसी साहब भी कह रहे हैं, प्रयास कर ही रही है सरकार ने, बहुत अच्छा प्रयास कोविड में किया है। और मुझे समझ आती है कि सामाजिक संस्थाएं जैसा आपने आज भी जोड़ा उनको और जैसा कोविड के दौरान भी, लॉकडाउन के दौरान भी सामाजिक संस्थाओं ने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, वो आज भी आवश्यकता है, आज जागरूकता में आवश्यकता है, आज खाने की आवश्यकता ना हो, प्लान के लिए लोगों को ले जाने की चेन हमें हर तरफ से बनानी होगी, वो चाहे सरकार के जरिए हो, प्राइवेट संस्थान के जरिए हो, विश्वविद्यालय के जरिए हो, सबकी भूमिका अहम है। जैसा डीसी साहब बता रहे थे कि क्या चुनौतियां थी और अब नई क्या चुनौतियां डेवलप हो रही हैं, उसमें आप लोगों का रोल क्या है, कैसे है? लेकिन इस चुनौती के साथ कुछ और चुनौती हम फेस कर रहे हैं जी, जिससे हमारा संभलना जरूरी है। जैसे आज इंडस्ट्रीज काफी बंद हो रही है, जो डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली जिसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है हमारे समाज पे जी, जिस इंडस्ट्रीज के बंद होने से एम्प्लॉयमेंट का इशू है और एम्प्लॉयमेंट के चलते काफ़ी कुछ सर्वाइवल का इशू है। तो अब इस लड़ाई में जब वो लोग सहयोग कर रहे हैं, कुछ कमी भी हो सकती है, आप अपने स्तर पर उन लोगों के जीवन को सरल बनाने के लिए अपना कौन सा योगदान अलग से कर रहे हैं, या कॉन्सेप्ट आपके मन में है क्या, ये हो तो आप भी करें, सरकार का सहयोग भी मिले और लोगों को जो आपके साथ जुड़े हुए काम कर रहे थे, जिनकी जॉब चली गई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो थोड़ा और ईजनेस में आए? हमने अपने इंडस्ट्री के माध्यम से जितने भी इम्प्लॉयज थे उनको सस्टेन किया जी, और आज तक सस्टेन किया है, इनफैक्ट हमने ग्रो किया है अपने एम्प्लॉयमेंट को। आपने जिक्र किया कि ब्रह्म पहला, वीसी साहब ने भी उसी बात का जिक्र किया। अब यहाँ पर उन चुनौतियों पर हम जल्दी से आ जाते हैं, एक अधिकारी के तौर पर आप उन चुनौतियों से निपट रहे हैं मौजूदा दौर में। अब जो नई चुनौतियां, एक तरफ कोरोना है, उसके बीच में लोगों का भूल जाना है, शपथ बार बार उनको दिलाना है, लेकिन उसके साथ अब जीवन भी अनलॉक हो चुका है, तो वहां पर तालमेल कैसे बिठा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत रेलिवेंट बात है और आई थिंक अब दोनों चीज़ें ही साथ लेके चलने वाली बात है जी। किस प्रकार डिस्टेंसिंग भी रहे, एक सेफगार्ड्स भी रहे और साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्टार्ट हो, तो चाहे गवर्नमेंट के कार्यों की बात हो, जितने भी विभिन्न फंक्शन रहते हैं अनेकों विभागों के, वो सारे प्रॉपरली आ रहे हैं। आदरणीय सीएम साहब की जितनी भी अनाउंसमेंट्स हैं, उनके डायरेक्शंस हैं, उनको अब इक्वली इम्पॉर्टेंस देके कोविड के साथ साथ लेके चलने वाली बात हो जी। या फिर जितने हमारे इंडस्ट्रियल मैटर्स जैसे अभी डालमिया साहब ने बताई है, तो उसमें फैसिलिटेट करने की बात हो, तो ऐसे विभिन्न पहलू हैं जो कि एक समय पे सिर्फ कोविड ही कोविड था सारी प्रायोरिटी, परंतु अब कोविड भी और बाकी भी अनेकों प्रायोरिटीज, चाहे गवर्नमेंट का प्रॉपर वर्क हो या फिर नॉन गवर्नमेंट इश्यूज़ को फैसिलिटेट करने की बात हो जी। अब यहाँ पर अगर स्पेसिफिक मैं वो सवाल लूँ जो कि डालमिया साहब ने कहा, गुरुग्राम में खास तौर पर किस तरीके से इंडस्ट्रीज़ को जो सहयोग अब चाहिए, क्योंकि उनका एक रोल था, उन्होंने कहा कि हमने अपने लोगों को छोड़ा नहीं, बीच में दिक्कत आई, लॉकडाउन हुआ निर्देश पे, तो वहाँ पर तो समस्या थी, लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं और अभी भी उन लोगों को साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन कमी है, कुछ कमी हर सेक्टर से है, सरकार की तरफ से सहयोग है तो कुछ कमियां भी रह जाती हैं, और सरकार का बड़ा रोल होता है, बड़ा योगदान होता है, तो कमियां होगी भी, लेकिन आप लोग उसमें कैसे इन लोगों का सहयोग कर रहे हैं जी? तो जब से अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, इवन इनफैक्ट लॉकडाउन के समय से ही जितने भी एसेंशियल सेक्टर्स थे, इंडस्ट्रीज थी, वो सब ऑपरेट करते रहे बिना किसी विघन के जी। और जैसे जैसे ग्रेजुअली ओपन अप होना स्टार्ट हुआ, तो इंडस्ट्रीज को भी स्मूथ ऑपरेशंस के लिए रहे, ऑनलाइन सिस्टम रहे एप्लीकेशन का, कहीं भी मैनुअल डिस्क्रिप्शन ना रहे, कहीं दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, कोई परेशान ना करे, कल को कोई शिकायत ना आए, इन पहलुओं से लेके और साथ साथ इवन अगर मैं मेंशन कर चाहूँ कंटेनमेंट तक, तो केसेस जरूर रहे हैं अनेकों इंडस्ट्रीज में, पर ये हमारा एक उद्देश्य रहे, एक टारगेट रहे कि इंडस्ट्री को बंद नहीं करना। चलिए, ये बड़ी बात है और ये अपने आप में अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर मॉनिटर हो रहा है, वो एक चीज जो सबसे अहम होती है कि मॉनिटरिंग चलनी चाहिए। वीसी साहब बहुत जल्दी से, समय थोड़ा कम है, संक्षेप में मैं चाहूंगा, आपने जितनी कोशिश अपने जरिए की और अपने छात्रों के जरिए, आपने कहा कि एक व्यापक क्षेत्र में हमने जाके काम किया, सब्जेक्ट के तौर पर आप इसको अब कैसे देखते हैं कि ये कोरोना कल को हो सकता है वैक्सीन आ जाए, लेकिन इसने जो हमें सबक सिखाया है
वो एक वीसी के तौर पर आप कैसे देखते हैं कि अब सब्जेक्ट में आना चाहिए, हमारी पढ़ाई लिखाई में आना चाहिए, ऐसी तमाम बीमारियों से पहले से एक अवेयर हमेशा के लिए हम रहे, उस पर कुछ विचार चल रहा है आप लोगों का? जी बिल्कुल, जब भी कोई चैलेंज आता है तो वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होता है, अपॉर्चुनिटी होता है सीखने के लिए जी। कोरोना ने हमें जहां जहां तंग किया वहां वहां हमें सिखाया भी बहुत है। बिल्कुल, अब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में देखें, पहले ऑनलाइन टीचिंग्स का कंसेप्ट ही नहीं था, प्राइवेट विश्वविद्यालयों में कुछ था, सरकारी में नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल, जब कोरोना आया तो सारे टीचर्स ने, सारे स्टूडेंट्स ने अपने आप को टेक्नोलॉजी से अडाप्ट किया। बिल्कुल, जिसकी वजह से हम पिछला पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन क्लासेस में चला सके, ऑनलाइन मोड से हम उनको कंटेंट डिलीवर कर पाए, ऑनलाइन ही हम एग्जामिनेशन कर पाए। तो ऐसा नहीं है, ये देश खड़ा होता है जी। जब जब भी कोई चैलेंज आता है तो ये देश यूनाइटेडली खड़ा होता है। बिल्कुल, कोरोना ने हमें फिर सिखाया कि भारत में संवेदना दौड़ती है, भारत के दिलों में संवेदना है, भारत के दिलों में साहस है, भारत के दिलों में सकारात्मकता है। बिल्कुल, इस बात को हमने समझा, इस बात को सीखा, और आने वाला समय भी हम लोग इसको पार कर पाएंगे। आवश्यकता केवल इतनी है कि हम हमेशा सरकार से अपने राइट्स की, अपने अधिकारों की बात करते हैं। बिल्कुल, हम कभी भी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, अपने उत्तरदायित्व की बात नहीं करते, अपना कर्तव्य नहीं निभाते। आज सरकार ने हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी अनलॉक करके दी है जी। उस अनलॉक को यदि हमें जारी रखना है, बिल्कुल, तो हमें अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। और हमारा उत्तरदायित्व है क्या कोरोना में, थोड़ा सा छोटा छोटा जी, मास्क लगाए, बिल्कुल शारीरिक दूरी रखें, जो इस बच्ची को समझ में आता है। लेकिन कई बड़े जानबूझकर भी वो काम नहीं करते हैं, कई ऐसे केसेस हमने देखे, और इस सब को तो अनुभव होगा कि तमाम लोगों पर सख्ती सी वजह से करनी पड़ी होगी, समझाते समझाते। मेरे को खांसी है तो मैं कहूंगा मेरी खांसी खांसी, दूसरे की खांसी कोरोना। यू सी, दैट इज द कांसेप्ट डिफरेंस। ये समझने की जरूरत है, ये समझने की जरूरत है जी, कि मेरा उत्तरदायित्व उतना ही है, और मैं भी तभी ठीक रहूंगा जब समाज के बाकी लोग ठीक रहेंगे। बिल्कुल, अगर मेरे आसपास के लोगों में बीमारी है तो मैं भी उससे बच नहीं सकता। ठीक है, इसलिए मैं रोक रहा हूँ, समय थोड़ा कम है। डालमिया साहब, बहुत जल्दी से, दो मिनट से भी कम समय में मैं इसको समेटूंगा, आप सिर्फ एक मिनट में इतना बताइए कि जो सहयोग मिलना चाहिए था और जो अपेक्षित है आपके लिए, वो मिल तो जाएगा और मिल रहा होगा, लेकिन तमाम लोग जो कि चले गए थे वापस आ रहे हैं, तो उनको जितना मिलना चाहिए उनका हक और जो कुछ सुविधाएं, वो आप और तमाम इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो कर रहे हैं? आज इंडस्ट्रीज और समाज जितना बनता है जी, इस समय को देखते हुए शायद हम, मैं अपने बारे में नहीं कहूँगा, पूरे समाज के बारे में कहना चाहूँगा कि पूरा समाज आगे बढ़ रहा है उन्हें हाथ बढ़ाने के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, और सभी सपोर्ट जितना चाहिए वो सपोर्ट दे रहे हैं, और उसमें मैं भी शामिल हूँ। हर तरह का सपोर्ट जो भी इंडस्ट्री को, एम्प्लॉयमेंट को चाहिए, वो जितने हद तक हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं। चलिए, बड़ी बात है। डीसी साहब, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, सिर्फ इतना, आपने त्योहारों का चूंकि जिक्र किया था और आपने ये भी कहा कि भ्रम फैला, भ्रम फैलाया गया तो लोग भूले, अपने कर्तव्य से उसको याद भी दिलाना है, त्योहार के लिए शपथ भी दिलाते जाइए कि आप भी शपथ लीजिए, प्रशासन तो दिला ही रहा है शपथ आपको। बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ, जो इस बच्ची ने एक बहुत बढ़िया शपथ दिलाई है वो हम सब लें और साथ में उसका अनुसरण करें, उसका पालन करें। ये किसी और के लिए नहीं, परंतु आप सबके और अपने स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के ही हित के लिए ही है जी। चलिए, बहुत शुक्रिया डीसी साहब आपका, मार्कंडेय आहूजा साहब, इस सब आपका भी, और डालमिया साहब आपका भी।